कई लोग सवाल करते हैं, मेरा अकीका नहीं हुआ था, मेरे माँ बाप को पता नहीं था, अब मैं बड़ा हुआ हूँ तब मुझे पता चला है, तो मैं चाहता हूँ मैं अपनी तरफ से खुद ही करूँ, तो क्या मैं दो हिस्से डाल दूँ गाय में? ऐसा नहीं किया जा सकता। ये जरूर हो सकता है कि आप ईद उल अधा के मौके पर अपना अकीका कर लें, डजंट मैटर, लेकिन उसके लिए आपको अलग जान कुर्बान करनी होगी, लड़की की तरफ से एक और लड़के की तरफ से दो, तो वो आप बकरे ही करेंगे, आप गाय में हिस्सा नहीं डालेंगे। हकीके में ज़बह किया जाने वाला जानवर जो है वो बकरी, नर या मादा, दुम्बा वगैरह ज़बह किया जा सकता है। बाज़ लोग कहते हैं कि गाय और ऊंट ज़बह करना चाहिए, तो रिवायत जिसमें ये आता है गाय या ऊंट का लफ्ज़, ये सख्त ज़ईफ़ रिवायत है। ठीक है, हजरत आयशा को किसी ने खबर दी कि उनके भाई अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर के यहाँ बच्चा पैदा हुआ है और उन्होंने बतौर अकीका ऊंट ज़बह किया है, तो आपने माज़ अल्लाह पढ़ा और फरमाया रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो दो बकरियां ज़बह की थी। यानी उनके भाई ने जब ऊंट ज़बह किया तो उन्होंने उसको पसंद नहीं किया और कहा कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो बकरियां की थी, तो इसलिए उसी सुन्नत को फॉलो करना चाहिए। इब्ने अब्बास रजी अल्लाह अन्हुमा से रिवायत है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लड़के के लिए दो और बच्ची के लिए एक अकीका है, यानी दो जानवर हैं। अकीका लफ्ज इस्तेमाल हुआ जिसका मतलब है जानवर, तो लड़के की तरफ से दो और लड़की की तरफ से एक। अकीका की शरई हैसियत के बारे में याद रखिए कि इसको बाज़ उलमा ने सुन्नत मौकदा कहा है कि लाजिम है, और बाज़ ने मुस्तहब अमल करार दिया है। जैसा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद है, हर बच्चा अपने अकीके के एवज गिरवी होता है, यानी रहन में होता है, वो अकीका किया जाता है तो वहां से छूटता है। पैदाइश के सातवें दिन उसका अकीका किया जाए, उसका नाम रखा जाए और सर के बाल साफ किए जाएं। ये हदीस में आता है। एक रिवायत के ये अल्फाज हैं, जिसके यहां कोई बच्चा हो और वो उसकी तरफ से कुर्बानी करना चाहे तो जरूर कुर्बानी करे। ठीक है, कुर्बानी करना चाहे तो करे, तो इससे क्या पता चलता है कि मुस्तहब है, और दूसरी रिवायत से क्या पता चल रहा है कि ये सुन्नत मुअक्कदा है, नहीं लाजमी करे। तो उसमें यह है कि जो साहिब हैसियत है उनको तो लाजमी करना चाहिए, लेकिन जो इस्तेतात ना रखते हो, यानी बाज लोग एक बकरा खरीद कर कुर्बान करने की इस्तेतात नहीं रखते और फिर दो और भी उनके लिए मुश्किल है, तो वो ना भी करें तो कोई हर्ज नहीं है, यानी उनके लिए गुनाह नहीं है। ठीक है, यानी तंग दस्त पे अकीका लाजिम नहीं है, क्योंकि वो आजिज है और जो आजिज होता है उससे इबादात साकित हो जाती हैं। इसी तरह यह भी याद रहे कि अकीके में कुर्बानी वाली शरायत नहीं है कि दो दांतों वाला हो और फिर यह कि वो मखसूस एज का हो, ऐसा कुछ नहीं है, यानी जो भी बकरा मिले, बकरी मिले, उसको ज़बह किया जा सकता है। अकीके की बजाय जानवर की कीमत सदका करना दुरुस्त नहीं, अकीके की बजाय जानवर का मुआवजा जो है वो सदके में नहीं दिया जा सकता। अकीके के गोश्त को खुद भी खाया जा सकता है, उसे सदका भी करना चाहिए और दोस्त अहबाब को तोहफा भी देना चाहिए। उसकी खाल जो है गुरबा और मसाकीन को दी जाए और उसे फरोख करके उसकी कीमत भी गरीबों को दी जा सकती है, निखाल बेच के कीमत दे सकते हैं लेकिन बकरा बेच के नहीं। तो ये चंद बातें थी अकीके के मफहूम और मानी और उसकी शरई हैसियत के बारे में।